आंखों के अंदर में रखा हुआ। आइए कुछ और जगह पर दिखाते हैं। और भी चीज़ दिखाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए किस तरह का होगा। बाहर का व्यू, बाहर का व्यू है ये, यहाँ आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया भाई? हाँ, कैसा कैसा लग रहा है यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आया, अच्छा लग रहा है। आए हुए हम भी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। तलवार उन्नीस सौ दस का, ये आपका 1910 का ही।
1910 है। तेईस का लंबा समय ये चलता था। ये 1918 से 1930 का लंबा समय ये सब। ये आपका है 1915। खेती के लिए भी साधन था यहाँ पर। देखिए दोनों तरफ से जो है ऑक्सीजन का, उधर भी खिड़की है इधर भी खिड़की है, जंगला तो दोनों तरफ से ही ये है, तो कोई एक साइड में नहीं। पर किस तरह से मतलब कैदी का जो है, किस तरह के कैदी का चूल काटा जाता था यहाँ पर बैगिंग में करते हैं। देखिए कैदी हमारा किस तरह से रहते थे, जेल के अंदर बाहर ये भी है। इस तरीका से बंद ही होता था, जैसे कैदी जैसे सामने में देखिए सामने बैठा हुआ है किस तरह से। मैं अंदर की तरफ देखते थे प्रॉपर एकदम सही से दिखना चाहिए, समझ में आया ना, कि ढिला ढुला के गन बन कर देगा। चेहरा भी दिखना चाहिए मेरा, वो भी दिखना चाहिए, ताकि कोई मेरा वीडियो को काट के अपना अलग से नहीं कर सके, समझ में आया। दूर से बड़ा नज़दीक से देखा है, चालू है। देखिए मैं सफाई करनी है किस तरह से रहते थे। देखिए देखिए कपड़ा धोने का नहाने का यहाँ पर जैसे हाउस बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर किस टाइप का रहते थे, बिस्तर बजाते अंदर आ जाए। जब किस तरह से रहते थे, सोने बैठने का है,
पानी जैसे किस तरह से रखा जाता था मटके में ठंडा होने के लिए, क्योंकि मटके में ठंडा पानी रहता था। और यहाँ पर जो भी वह देखिए, देखिए किस तरीका से है नहाने का, रखने का। यहाँ से इस तरह से लोग रहते थे। ये था कैदी की जिंदगी। कभी कोई ऐसा काम ना करे जिसलिए कि इस तरह का जिंदगी काटना पड़े। पहले जो लोग जो यहाँ पर सजा काट चुके थे वो इस तरह से, तो ज़िंदगी में कोई भी काम करे, अच्छा काम करे, जो ऐसा जगह पर आने का ज़रूरत ना पड़े कभी। जीवन के दिन छोटे सही, हम हैं बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये है मुजन बाल उपलसी ग्राम पंचायत पुरस्कार का नानाजी देशमुख राष्ट्र गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ये काफी बड़ा पुरस्कार है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, ये सबको पुरस्कार है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार चल पुरस्कार में तो यहाँ देखे दिखे आइए कुछ और जगह दिखाते हैं। তাদের হুঙ্কার আজও এই বাড়িগুলোর দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়।
ताने देशात्मबोधक गाने आविलम आज कल पाकले शोना जाए বোধশালাগুলোর অর্থকথার কেন্দ্র বিন্দু ওই স্তম্ভ দ্য সেন্ট্রাল টাওয়ার যেখান থেকে প্রহরীরা সেই দৃষ্টিতে নজর রাখত বন্দীশালাগুলোর উপর। पीसी दे रहा था क्या था यहाँ किस तरह से रखा जाता था कैदी को सजा देने के लिए जगह तो था गया दुर्गा माता सब जरा।
किस तरह से गया कि चलो ठीक है सेल काफी बड़ा बड़ा अलग अलग तरीका का सेल बना बना हुआ हम का कुछ भी बता हम कुछ नहीं बता मैंने दिखाया आपको अलीपुर म्यूजियम का कैसा लगा ये कमेंट में बताएं। और ये अब हम लोग जा रहे हैं कैदियों को दिखाने के लिए। चलिए और ये देख सकते हैं ये जेल टाइप का है और भी बहुत से लोग हैं। देखिए ये थे सिपाही और ये देखिए इधर क्या है ये देख सकते हैं इधर देखिए जा रहे हैं जी। ये पूरे जेल की तरह है जहाँ लोगों को रखा जाता था। और ये देखिए ये है जहाँ पर वो लोग मुंह धो देते हैं और इसी में रहना सहना भी चलता था देख सकते हैं। और चलिए और आपको दूसरा नज़ारा भी दिखाते हैं देख सकते हैं ये लोगों को यहाँ सजा दी जाती थी। ये गुसलखाना एक ही में था बिस्तर भी एक ही में था। और ये पूरा ही मतलब जेल को म्यूजियम बना दिया गया है। आप देख सकते हैं फांसी यहाँ पे सजा भी दी जाती है। देखिए फांसी लगा हुआ है देखिए देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहीं पे फांसी दी जाती थी देख रहे हैं रस्सी भी लटकाए हुए हैं। कैसे यहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी जवानों को जिन्होंने इनकलाब उठाया था उनको यहाँ पे ला के पकड़ के और किस तरह सजा दिया जाता था आप देख सकते हैं।
फांसी का फंदा देख सकते हैं किस तरह है। तो हमें ये सब चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, याद रखनी चाहिए कि जिन लोगों ने बहुत हिम्मत से लड़ाई की कि इस देश को आज़ाद कर सके। और ये देखिए पूरा मतलब हर तरफ से, ये देख सकते जामुन का पेड़ है, आधा जामुन का। तो सही से तो डंडा जैसे तैसे पकड़ेगा। दस तो बारह हो गई क्या ये अलीपुर म्यूजियम, अलीपुर म्यूजियम का भी जैसे पकड़ बैठे हैं। इसके साथ साथ और कहीं भी देखाएंगे, देखिए आपका कैमन लगे दादा? भालो लगे भालो लगे